फाइनली आप देख सकते हैं इस क्यारी का प्लांट्स हमारे सारे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। भोली निधि नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हुआ हूँ अर्बन फॉरेस्ट में, जो कि हमारे यहाँ कुछ प्लांट्स लगने वाले थे। ये रहा हमारा कॉर्नर का मकान। आप देख सकते हैं प्लांट्स लगने के पहले ये कैसा दिख रहा है, और अभी हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाने वाले हैं। हम जो प्लांट्स लगाएंगे, इस जगह पे मैं लगाने वाला हूँ फॉक्सटेल पाम का पौधा, दूसरा उस जगह पे फॉक्सटेल पाम का लगेगा, तीसरा वहाँ लगेगा, चौथा अपना वहाँ लगेगा। यहाँ पे चार फॉक्सटेल पाम के पौधे लगेंगे। बाकी ये जो आप देख रहे हैं इस एरिया पे रेड में चीरा रहेगा, सामने इसमें जो है ये अपना रेड डरसीना रहेगा, और बाकी फिर इधर भी सेम वही है। पीछे तो रेड में चीरा है, सामने जो है रेड डरसीना है, चाइना डॉल भी बोलते हैं। हमारे प्लांट्स इस जगह पे लगेंगे। बाकी तीन पौधा हमारा इस जगह पे लगेगा। यहाँ पे हमने पहले चंपा लगाया हुआ था, लेकिन चंपा क्या है अभी निकलेगा। ये पिंक कलर का चंपा है, आप देख सकते हैं। इस चंपे को मैं यहाँ से निकाल कर नए दूसरे प्लांट्स लगने वाले हैं अपने, और जो अपने प्लांट्स लगेंगे वो उस प्लांट इस जगह पे लगने वाले। ये देख सकते हैं इसमें पीली मिट्टी डाली जा रही है। अपने को इस जगह पे तो देना है येलो टिकोमा, बीच में ये वायलेट टिकोमा आएगा, और एक साइड में ये ऑरेंज टिकोमा आएगा। तीन पौधे इधर लगने वाले हैं, जो कि इसमें जो है तकरीबन 40 से 50 पौधे बैठेंगे। तीन वैरायटी हैं जो प्लांट लगेंगे इस जगह पे। अभी लगने के बाद ये कैसे दिखता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले खड्डा किया है। खड्डा तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 फीट किया हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि बड़ी थैली थी इसकी वजह से 1.5 फीट खड्डा करना पड़ा, बाकी तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो हमने ऐसे करके चार खड्डे कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट कोको पिट को डालेंगे, वापस पौधे को यहाँ पे रखेंगे तो अपने पौधे लगाने हैं। इस कॉर्नर पे मैंने दिया हुआ है रेड जस्टोपा का पौधा। आप देख सकते हैं इसमें रेड कलर के ऐसे छोटे फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। आप इस कॉर्नर पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके नीचे अभी हम लगाएंगे टिकोमा का पौधा, और ये है हमारा मिनी एक्जोरा का पौधा, जिसमें वाइट कलर के फूल आ रहे हैं। आप देख सकते हो वाइट के अंदर ये रेड होता है, काफ़ी खूबसूरत ये भी लगता है, बिल्कुल ईजी चलता है। 12 महीने इसमें ऐसे फूल आते रहते हैं। ये मैंने इस जगह पे ये लगाया हुआ है। अभी हमारा खाड़ा हो रहा है, ये हमारा पांचवा खाड़ा है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े बाटे हैं। ये हमारा कोकोपीट का खाद रहा, जो हम इस खट्टे में मिक्स करेंगे, और ये हमारी वर्मी कंपोस्ट की खाद है। आप देख सकते हैं ये हमने अच्छे से इसको मिक्स करके इस खाड़े में डाल दिए हैं। अब ये खाड़े में डालने के बाद हम इस पौधे की थैली को रिमूव कर चुके हैं। जब हम आप थैली को रिमूव करते हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रखें, जो मिट्टी होती है मिट्टी बिखरनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये पौधे क्या है सूखने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये हमारा फॉक्सटेल पाम का पौधा रहा, आप देख सकते हैं ये फॉक्सटेल पाम का पौधा। अब हम ऊपर से फिर से इसमें खाद मिट्टी डालेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी कोकोपीट है, और ये वर्मी कंपोस्ट है, जो हम दोनों के इसमें डालेंगे, ताकि हमारे जो पौधे हैं वो आसानी से चल रहे हैं। अब ये हमारी पीली मिट्टी रही, जो हम खड्डे में डाल देंगे ऊपर से, और इसमें हम क्यारी बनाएंगे, ताकि जो हमारी पानी होती है वो पानी इसमें रुके, ताकि जो पौधे हैं पौधे का ग्रोथ अच्छा हो। सेम उसी तरीके से मैंने ये वाला भी पौधा लगाया। मैंने थैली को रिमूव किया, खाद मिट्टी नीचे पहले थोड़ी सी डाल दी हुई है, उसके बाद ये देख सकते हैं ये फॉक्सटेल पाम का पौधा हमारा। आराम से हमें खड्डे में रखना होता है। अब ये चीज़ हम देखेंगे, ये जो दूसरा वाला पौधा हमारा सेम टू सेम एकदम सेंटर पे होना चाहिए, ताकि देखने में बिल्कुल एकदम अच्छा लगे। अब ये आप देख सकते हैं हमारा तीसरा फॉक्सटेल पाम का पौधा लगकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसे प्लांट्स लगवाने हो तो आप भोली निधि नर्सरी एक बार जरूर संपर्क करें, या फिर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर एक बार जरूर कॉल करें। अभी हमारे प्लांट्स लगने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा पहला ये फॉक्सटेल पाम का पौधा है, जो हमने गेट से एंट्री करते ही इस जगह पे लगा रखे हैं। और ये देख सकते हैं हमने यहाँ सबसे पहले तो खड्डा किया। खड्डा करने के बाद हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हम थैली को अच्छे से रिमूव करेंगे। जब हम आप थैली को रिमूव करते हैं, जो अंदर की ये मिट्टी है ये बिखरनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में देना चाहिए। ये जो आप खाद देख रहे हैं ये खाद है वर्मी कंपोस्ट, जिसे केचुए वाला खाद बोलते हैं। हम इस खड्डे में चारों तरफ ये वर्मी कंपोस्ट का खाद जो है ये हम खाद डाल देंगे। इसके बाद हमारा ये कोकोपीट की खाद है, जो कोकोपीट ये हमारी जो है देख सकते हैं आप, ये नारियल की बुराला जो होती है उसी की बनी होती है। इससे क्या होता है पानी को स्टोर करके रखता है, और मिट्टी को क्या हार्ड नहीं होने देता, उससे जो अपने पौधे के रूट जो होते हैं काफी अच्छे चलते हैं। ये हैं धीरज भैया जो हमारे पौधे लगा रहे हैं, ये हैं आजाद के। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा भी फॉक्सटेल पाम का पौधा लगकर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा इस जगह पे दो फॉक्सटेल पाम का पौधा लगना बाकी है। अभी लगने के बाद ये दिखता कैसे है मैं ये चीज दिखाऊंगा आपको। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अभी एंट्री का हमारा तीसरा भी पौधा लगकर कंप्लीट हो चुका है। लगाने का प्रोसेस सेम ही होता है वैसे ही लगा, जैसे मैंने बाकी के सारे पौधे लगाए थे। ये हमारा लास्ट पौधा है फॉक्सटेल पाम का, जो इस जगह पे लगा। ये लास्ट कॉर्नर है, आप देख सकते हैं
ये मेन एंट्री के जो अपने चार पौधे लगाने थे, ये चारों पौधे लगकर इस जगह पे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी बैक साइड हम चाइना डॉल लगाएंगे, जिसे रेड चीरा भी बोलते हैं। और उसके सामने हम इस जगह पे जो आप ये वाला फ्रंट वाला एरिया देख रहे हैं, इस जगह पे हम रेड डरसीना लगाएंगे। और रेड डरसीना हम आप इसको जमीन पे अगर लगा रहे हैं धूप में रख सकते हैं, और अगर हम आप गमले में रखते हैं तो इसको सेमी शेड में रख, धूप में हम आप इस पौधे को नहीं रखते। अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा बैक साइड में लग रहा है चाइना डॉल का पौधा, इसे रेड में चीरा भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पत्ती बिल्कुल शाइनिंग होती है और फ्लेवर एकदम ग्रीन कलर की पत्ती होती है। ये देख सकते हैं हम इसमें इस जगह पे खड्डा कर रहे हैं। खड्डा करने के बाद इसी तरीके से हमारे इस जगह पे 15 प्लांट लगने हैं ये, और 15 ये आगे लगे इस जगह पे। लगने के बाद अभी पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। अब आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसका नाम है रेड डरसीना। ये आप देख सकते हैं हम आप अगर जमीन पे लगाते हैं तभी आउटडोर में चलता है, और अगर हम आप गमले में रख के आउटडोर चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। पत्ती इसकी जो होगी वो सूख जाती है गर्मी के महीने में। तो आप देख सकते हैं ये हमारे रेड डरसीना का पौधा कुछ इस तरीके से लगने वाला है। ये जो मैंने चाइना डॉल का पौधा लगाया हुआ है दोनों के बीच में रहेगा, ताकि इस तरफ ग्रीन दिखे, इस तरफ ग्रीन दिखे, बीच में रेड दिखे। और मैंने जो ये फॉक्सल पाम का पौधा लगाया हुआ आप देख सकते हैं, हम आप जो फॉक्सल पाम का पौधा लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान दे रहे हैं। हम आप अगर इस तरीके से देखेंगे यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। और ऐसे भी देखते हैं तो ये बिल्कुल जो एक दूसरे की दूरी है दोनों की सेम दूरी है। और ये अपने फॉक्सल पाम के पौधे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे डरसीना लग रहा है, डरसीना लगने के बाद कैसे दिखता है वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं इस क्यारी का प्लांट्स हमारे सारे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं रेड कलर का, इसका नाम है रेड डरसीना। और पीछे जो देख रहे हैं आप रेड में चीरा, चाइना डॉल के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको ऐसे प्लांटेशन या फिर कोई गार्डन का काम कराना हो तो आप बोली निधि नर्सरी एक बार जरूर संपर्क करें। ये रहा हमारा अंदर का एरिया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये वायलेट टिकोमा दिया हुआ है, ये हमारा येलो टिकोमा है, और ये फिर हमारा ऑरेंज वाला है, ये हमारा एक्सप्लोरा का पौधा है, फिर ये वायलेट टिकोमा है सामने, उधर एक्सप्लोरा, रेड डरसीना हमने बीच में एक पौधा लगा दिया है। फाइनली ये सारे प्लांट्स हमारे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, जब इसमें फ्लावर आएगा ये बहुत सुंदर एक लुक देने वाला है। फाइनली हमारे फॉक्सल पाम का पौधा और जो हमारे नीचे पौधे लगाने थे पौधे लगाकर कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं